मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट आर एस वी ए पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, गुणा हम कैसे करते हैं। ये सबसे अलग ट्रिक है, इसके इससे भी हम बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी संख्या का आपस में, मतलब टू डिजिट, थ्री डिजिट, कोई भी संख्या हो उसका हम मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, फटाफट निकल जाता है। ये भी एक नई ट्रिक है, आसान ट्रिक है, तो इसको आप एकदम न्यू ट्रिक मान लो, जबरदस्त है। इसको देखिए क्या होगा। पहली संख्या, कुछ संख्या हम लिख लिए हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ये तो लिख लिया हूँ कि मतलब एक एक काम सर भी हम लिख देंगे। इसमें से आप किसी का मतलब किसी भी दो संख्या, तीन संख्या आप ले सकते हो। बस आइए शुरू करते हैं, इसको देखिए क्या है। जैसे पहला हमारा है 11 × 13, 11 × 13 11 × 13 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11 × 13। तो क्या देखोगे इसमें, इसमें पहले क्या है, 11 है 11, तो इसका पहला अंक क्या है, एक है, तो आप एक लाइन खींचोगे। दूसरा कितना है, दूसरा भी एक है, तो दूसरे में भी एक खींचोगे। फिर दूसरे वाले में, दूसरे अंक में क्या है, 1 और 3, तो पहले में क्या है, एक, नीचे से शुरू करेंगे, पहले में एक और दूसरे में तीन, तीन खींच देंगे, तीन लाइन खींच देंगे। अब देखो इतना हो गया, तो आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, ये पहला अंक होगा, अंक मतलब पहला अंक क्या, इकाई का होता है ना, पहला अंक का होगा, और ये हमारा ये दूसरे अंक का होगा, ये तीसरे अंक का होगा। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करता है, तो यही इसी बिंदु को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, प्रच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, और वही संख्या हम लिख लेंगे, लिखेंगे एक संख्या, और जो बचेगी उसको हाजिर में रख लेंगे, और आगे वाले में फिर उसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, कितना कट हो रहा है, 1, 2, 3 लिख लिया हमने, पहला अंक मतलब इकाई का अंक मिल गया यहाँ पे। दूसरा 1, 2, 3, 4 हुआ ना, 4 लिख लीजिए, और तीसरे में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट मिल रहा है, 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, 143, आसान है, आप 143 लिख दोगे, 143 हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा भी कर सकते हो, आगे भी हम अभी नहीं समझ में आया होगा तो आगे हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व कर देते हैं इसको। दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या है, 32 × 43, एक एग्जाम्पल ले लें इसका क्या होगा। तो इसमें हमने क्या बताया, पहली संख्या है जो उसका पहला अंक जितना हो उतनी लाइन हम ड्रा करेंगे, फटाफट इसको हम ड्रा कर देते हैं। ये कितनी है, 3, 3 हो गया। दूसरा 2 है, 2 ड्रा कर दो, 2 हो गया। और फिर दूसरे में कितना है, जितना भी अंक हो पहला डिजिट जो होगा वो नीचे से शुरू करेंगे, 4 है, तो 4 लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। तीसरा, दूसरा और क्या है, 3 है, 3 हमने कर दिया। अब क्या करोगे आप, देखो ये पहला हो गया, पहला अंक मिल जाएगा, इससे हमारा ये दूसरा वाला मिल जाएगा, ये मतलब ये पूरा मिल जाएगा ये थोड़ा सा, और ये तीसरा हमारा हो जाएगा, ये जो होगा तीसरा हो जाएगा। कंपाउंड कर लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, इकाई का अंक मिला ना। दूसरा इधर बीच वाले में 1, 2, 3, 4 हो गया, और यहाँ पे भी कट कर लेना है इसको, नहीं बीच में ये गलत कट गया है, तो 4, 4, 8 हुआ, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में 7 लिखेंगे और एक हाथ से ले लेंगे। अगला पॉइंट ये आ जा रहा है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ जा रहा है, 12 × 13, तो 1376 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 1376 किसका, 32 × 43 का 1376 आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1376, ये आंसर आ जाएगा। अगला, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपने क्या किया, पहला जो अंक है उसको वर्टिकल में बना दिया लाइन, फिर दूसरा जो अंक है उसको बना दिया, दूसरे में जो होगा दूसरा 43 है ना, तो 43 में पहला क्या था, 4 था, तो 4 लाइन खींच दिया, दूसरे में 3 था, 3 लाइन हमने खींच दिया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, फिर आगे वाला दूसरा, तीसरा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो फिर इस तरीके से हमको फट से आंसर मिल जाएगा। अगला देखो, अगला कौन सा है,
अगला हमारा है ए, देख लो थोड़ा सा बड़ा, 343 बुढ़े 543, इसमें देख लो क्या होगा इसका आंसर। तो पहले क्या है, पहले 234 है, 234 है तो पहला क्या हो जाएगा, दो है, तो दो है तो दो लाइन हमने ड्रा कर दिया। दूसरा तीन है तो तीन लाइन हमने खींच दी, तीन, और फिर दूसरे में चार है, तीसरा जो है अंक हमारा चार है, चौथा, चौथा हमने खींच दिया, ये चार हो गया ना, ये चार हो गया, ये थोड़ा सा बाहर भाग रहा है, ये चौथी लाइन हो गई, ये चार हो गया, और फिर पांच है, पांच अब नीचे खींचेंगे, पांच देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, अगला चार है, चार हमने खींच दिया, एक दो तीन चार, फिर तीन है, तीन खींच दिया तो तीन हो गए। तो देखो ऐसा जब ज्यादा संख्या हो जाए ना, ज्यादा लाइनें कट करने लगे, तो सबसे पहले इसका विकर्ण देख लीजिए, कर्ण जो बन रहा है इसको पहले आप मिला दीजिए, उसके बाद आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखो ये वाला क्या जा रहा है, एक ए हो जाएगा सीधा पे, एक ए हो जाएगा, एक हमारा ए हो जाएगा, इधर से आप ले जाइए, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा। अब आगे वाला जो बच रहा है, यहाँ से एक पॉइंट ए हो जाएगा हमारा, और ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, एक पॉइंट ए वाला मिलेगा सीधा, और एक पॉइंट ए बन रहा है, तो इसको आप देख लीजिए, एक पॉइंट ए बन जाएगा, और एक पॉइंट ए बन जाएगा लास्ट वाला। तो जितना पॉइंट बना उतना अंक आ जाएगा, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ये हो गया पहला, एक दो तीन, तीन और चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तीन चौक बारह, यहाँ पे दो हो गया, एक फांसी लग गया। दूसरे में एक दो तीन चार, चार चौक सोलह, गिन लो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह सोलह एक सत्रह, सत्रह एक फांसी, नहीं यहाँ पे सत्रह नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हुआ, चार चौक सोलह, सोलह और ये भी इसी में ऐड करना, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, पच्चीस एक छब्बीस, छब्बीस दो हासिल हो गए। अब इसमें देख लो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है पाँच चौक बीस, और बीस एक दो तीन चार, चार तीन बारह, बीस बारह, बीस हो गया पहले में, दूसरे में बारह हो गया, तीसरे में कितना हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये हो जाएगा तीन दो छः, छः हो जाएगा, तो छः दो आठ, दो एक तीन हो गया, और दो हासिल था, कितना हो जाएगा चालीस, चालीस का यहाँ पे हासिल अब क्या आ जाएगा चार, और यहाँ पे हम जीरो लिख दे रहे हैं, चालीस हो गया। अगला देख लो ये कितना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है तो पाँच है, तो यहाँ पे पाँच है तो पाँच नहीं पंद्रह, पंद्रह और ये कितना है, एक दो तीन चार, चार दो आठ, आठ पंद्रह तेईस, तेईस और चार सत्ताईस, सत्ताईस पे सात, और यहाँ पे दो लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच दस, दस और दो बारह, तो इतना आ गया हमारा आंसर। आंसर कितना आ गया, एक सौ बारह सत्तर बासठ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बारह सत्तर बासठ। देखिए अभी आपको ये ट्रिक जो है मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप दो चार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये भी दो से तीन सेकंड में आराम से निकल जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं, बस इंटरसेक्शन पॉइंट आप सब पहला, अगर ज्यादा संख्या हो रहा है सीधा इसका जो डायगनल है कर्ण है विकर्ण, इसको आपको मिला दीजिएगा, मिला के आगे वाला जितना पॉइंट बन रहा होगा सीधे सीधे पे सबका डायगनल ही मिलाना है, डायगनल मिला के और टोटल इसको ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पे कितना हुआ, ये एक दो तीन चार, चार चौक सोलह, सोलह इधर गए सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद एक अंक लिखना है, आगे जो होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हाथ मतलब हासिल रख लेंगे, आगे वाले में ऐड कर देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर फट से आ जाएगा, और कोई भी संख्या होगी उसका आंसर आप लिख सकते हो। अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा stpointrsva को, और इसको जो है शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आगे वाला संख्या हम देखते हैं, आगे वाली संख्या हम लेते हैं, अगली संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या देखिए आगे वाली संख्या है 345,
345 कूड़े 432, 432 है इसका हमें आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे? पहला मैंने क्या बताया, जो हो उसको तीन लाइन आप ड्रा करिए, तीन लाइन हमने खींच दिया। फिर चार है तो चार लाइन हमने खींच दिया, चार लाइन खींच दिया। फिर पाँच है, पाँच लाइन खींच दिया, दो तीन चार पाँच। फिर इधर चार, चार यहाँ नीचे शुरू करेंगे, एक दो तीन चार। फिर तीन, एक दो तीन, देखो मिल गया एकदम, एक दो तीन, यहाँ पे सीधा होना चाहिए, एक दो तीन। और फिर दो है, दो आप लीजिए। अब जब ज़्यादा हो तो मैं क्या कर रहा था, इसको आप डायगनल मिला लीजिए। तो डायगनल में कौन आ रहा है, ये देखिए, यहाँ से ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ से आके ये वाला सीधा आ रहा है इधर से, और ये वाला इधर आएगा, इधर आएगा, इसको ये वाला मतलब तीन पॉइंट मिले। तो पहला वाला पहला अंक को जाएगा, ये दूसरा वाला जो बन रहा है दूसरे वाले को बना लीजिए इधर से, हो जाएगा ये। और ये वाला हमारा तीसरा वाला पॉइंट, तीसरा वाला बन जाएगा इधर से, और ये वाला फिर। तो आंसर देखो क्या हो जाए, पहला वाला कितना है, एक एक दो, दो है और कितनी लाइन है, चार दो ही आठ, या तो ऐसे गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आ गया ना, तो आठ हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे अगला क्या करोगे, इसमें ऐड कर लो, ऐड कर लो, एक दो तीन, लाइन कितनी पाँच, पाँच है तो कितना हो जाएगा, पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह और इधर पंद्रह लिख लेता हूँ, एक पे है दूसरा, एक दो और एक कितना है, चार लाइन है, चार दो ही आठ, आठ आठ पाँच तेरह, एक एक दो तीन लिख लो, यहाँ पे दो आ गया हासिल। अगला देख लो यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार पाँच लाइन है, पाँच चौक बीस हो जाएगा, चार एक दो तीन चार पाँच लाइन है, पाँच चौक बीस, बीस लिख लो। और इधर कितना जाएगा, एक दो, एक दो तीन, ये तीन ही लाइन है ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है, लेकिन ये वही लाइन था जो सही कर रहा था ना, तो तीन है और इधर चार लाइन है, तो चार तीन बारह, बारह हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एक दो तीन लाइन है, तीन दो छः, छः दो आठ और दो एक तीन, और इधर हासिल कितना आया था, दो, तो मतलब चालीस, चालीस हासिल है, चार हो जाएगा। अगला देखो, एक दो तीन चार, चार है, चार है चार, और इधर लाइन कितना है, एक दो तीन चार, चार लाइन है भी, चार चौक सोलह, सोलह हो गया, और इधर एक दो तीन, और ये भी तीन, तीन तरीका नौ, नौ सोलह पच्चीस, पच्चीस और चार उनतीस, उनतीस के नौ लिखो, हासिल कितना दो। और इधर फिर कितना आ गया, एक दो तीन चार, चार और ये जो है तीन है, चार तीन बारह, बारह और दो चौदह, बारह दो चौदह हो जाएगा। तो ये जो है बारह चौदह हो जाएगा, चौदह यहाँ पे देखो, एक दो दो है तो यहाँ पे कितनी लाइन थी, ये देखो दो है, पाँच लाइन है, दो तीन चार पाँच, पाँच है तो यहाँ पाँच में दस, दस आया था अड़तीस, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूसरे वाले में जो आया था, दूसरे वाले में तेईस आया था ना, तो दस हो जाएगा, तो चौबीस हो जाएगा, आंसर इतना आ जाएगा, चौदह नब्बे चालीस, चौदह नब्बे चालीस। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एक लाइन यहाँ पे छूट जाएगी, गई थी देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच में दस, दस की जीरो, और ये फिर हमने जोड़ लिया था कितना, पंद्रह आया था, क्यों पंद्रह आया था, ये भी देख लो, एक दो तीन, पाँच लाइन था, पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह लिख दिया था, और यहाँ पे एक दो दो है, चार लाइन है, चार दो यहाँ तेईस हो गया था, एक इधर चौबीस हो गया, अब दो इधर आगे तो सही है, तो आंसर इतना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, एक सौ उनचास जीरो चालीस, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये भी आसान था, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, आपको अब समझ में आने लगा होगा कैसे हिसाब होगा, पूछा है नहीं इसमें। पहला अंक जो है वहाँ शुरू करेंगे, जितनी लाइन है उसको पहले आप वर्टिकल खींच दीजिएगा, दूसरे को हॉरिजॉन्टल नीचे शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा पॉइंट लेंगे, जितना इंटरसेक्ट पॉइंट है वही उतना आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना है, 321 गुणे 332, 321 गुणे 332 कितना होगा, पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तीन है, तीन है तो हमने तीन लाइन खींच दिया, तीन लाइन ड्रा कर दिया, दूसरा दो है तो हमने दो लाइन खींच दिया,
दो लाइन, तीसरा एक हो गया। इसमें क्या है, पहले तीन है, तीन लाइन हमने खींच दिया, दूसरे में तीन है, तीन लाइन खींच दिया, चौथे में दो है तो दो लाइन खींच दिया। मैं कहा जब ज़्यादा हो तो आप सीधा सीधा डायगनल इसका देख लो क्या है, डायगनल जो हो उसको मिला लीजिए आप। यहाँ पर हमने डायगनल देख लिया, अब एक पॉइंट ये पहला पॉइंट हो जाएगा और इधर वाला एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा आराम से, ये तीसरा हो गया, ए वाला हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसको ये चौथा पॉइंट हो जाएगा, ए वाला पाँचवा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से लिखना शुरू कर दो, दो हो गया, यहाँ पे कितना तीन और ये एक दो, दो दो चार, तो तीन चार तीन सात, सात हो गया, यहाँ पे एक दो तीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक दो तीन, तीन दो छः, छः तीन नौ, नौ और यहाँ पे एक दो, दो तीन छः पंद्रह, पंद्रह पंद्रह के पाँच हाथ है एक, और फिर यहाँ पे देखो एक दो तीन, तीन दो छः, छः और एक दो तीन, तीन त्रिका नौ, नौ छः पंद्रह, पंद्रह एक सोलह, सोलह लिख दो, सोलह और सोलह हाथ है एक, और यहाँ पे एक दो तीन, तीन त्रिका नौ, नौ एक दस, तो ये हो जाएगा ये कितना हो गया 106, 572 हो गया। तो आराम से आंसर निकल आया। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कोई भी संख्या हो उसका पहला डिजिट देखेंगे हॉरिजॉन्टल उतनी लाइन, दूसरा तीसरा हॉरिजॉन्टल खींच के दूसरा वाला जो अंक होगा उसका पहला डिजिट जो होगा उतना लाइन आप वो पहला वर्टिकल रहेगा दूसरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल खींच के फिर यहाँ से जो उसका डायगनल होगा मेन डायगनल उसको आप मतलब विकर्ण को जो बनेगा उसको मिला लेंगे, फिर आगे पीछे वाला दो होगा क्लियर हो जाएगा पॉइंट कौन सा बन रहा है, सबका डायगनल आप मिला के फिर यहाँ से शुरू कर देंगे हम, पहला मतलब इकाई का अंक मिल जाएगा, इकाई का अंक दहाई का अंक सैकड़ा बन जाएगा, फिर अपना हजार दस हजार लाख ऐसे बनता चला जाएगा, और कौन सा इतना लंबा है, दो है तीन है चार है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना मिल गया था 106, 572। तो शायद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल study.rs वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।